शास्त्रीय प्रतिष्ठा, तर्क संग्रह, नित्य द्रव्यत्व वृत्तयो व्यावर्त का विशेषा, नित्य द्रव्यों में रहने वाले तथा व्यावर्तक जो पदार्थ वे विशेष कहलाते हैं, वही विशेष पदार्थ कहलाते हैं। नित्य संबंध समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति योर मध्य एक मविष्य वस्तमपारी विवावतिष्ठते ताभ्युत सिद्धो यथा वैवावयनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावनुतौ जाति व्यक्ति विशेष दवत चेती। समवाय नित संबंध है, समवाय नित संबंध है, आयुत सिद्धो में रहता है। जिन दो के मध्य में एक अनि अभिन्यस्यत अर्थात अविनष्ट होता, वह अर्थात विनाश होने की अवस्था से भिन्न अवस्था में दूसरे के आश्रित रहता है, वे दोनों आयुत सिद्ध कहलाते हैं। जिसका विनाश से भिन्न हो, अलग हो, पृथक हो, बिना हो, ऐसे स्थिति में दोनों आयुत सिद्ध कहलाते हैं। जैसे अवयव और अवयवी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा नित्य द्रव्य में रहने वाली विशेष और नित्य द्रव्य में सब आयुत सिद्ध हैं, अतः उनमें समवाय संबंध ही होता है, ऐसे को ही समवाय संबंध कहते हैं। समवाय का निरूपण करते विशिष्ट प्रतीत का नियात्मक ही संबंध है, संबंधत्व है, अर्थात संबंध का लक्षण है। यदि समवाय का लक्षण संबंधत्व मात्र रखा जाएगा, तब तो संयोग में भी उस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अनादि शांत प्रागभाव उत्पत्ति पूर्व संकायम, जो अनादि हो अर्थात जिनकी उत्पत्ति न होती हो पर शांत हो, अर्थात जिनका अंत विनाश हो, वह अभाव प्रागभाव कहलाता है। यह अभाव किसी भी कार्य की उत्पत्ति जन्म या आविर्भाव के पहले रहता है, ऐसे ही उत्पन्न किया जाता है। आदि मध्य अंत जैसे ईश्वर पहले भी थे, अभी भी हैं, फिर भी रहेंगे, उनका विनाश नहीं होता है, लेकिन जीव का विनाश हो जाता है। तुलसी बा लिखे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। आदि मने प्रारंभ में, मध्य मने बीच में और अंत में रहने वाले जो है स्थिर में रहते हैं, परमात्मा का आत्मा से संबंध है, ऐसे अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे भाव को प्रकट किया जाता है, ऐसे में कहला दिया भाव किसी भी कार्य उत्पत्ति देता है। साधि रत्नतः प्रध्वंतम उत्पत्यंतम कार्यम, साधि और अनंत अर्थात कि जिसकी उत्पत्ति तो हो पर विनाश न हो, वह अभाव प्रध्वंस कहलाता है। उत्पन्न हो लेकिन विनाश नहीं हो, ऐसे को अभाव प्रध्वंस कहलाता है। यह अभाव कार्य की उत्पत्ति के बाद अर्थात कार्य के ध्वंस होने पर उत्पन्न होता है, प्राप्त किया जाता है।